अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स पे। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी इंपैक्ट प्रिंटर्स पे और डिफरेंट इंपैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो उन्हें पढ़ा और समझने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की बात करेंगे कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी काम करने की यानी कि प्रिंटिंग करने की टेक्निक क्या है। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रिंटर्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे रिनाउन प्रिंटर जो हमारे पास है यहाँ पे वो लेजर प्रिंटर है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो इंकजेट प्रिंटर है। इसी तरह से थर्मल प्रिंटर है एंड सो ऑन। डिफरेंट प्रिंटर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की कुछ सेलियंट फीचर्स की बात करते हैं। तो ये देखें कि सम प्रिंटर्स यूज स्प्रे व्हाइल अदर्स यूज हीट एंड प्रेशर। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स इस तरह से काम करते हैं कि कुछ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो हीट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं और कुछ जो है वो बेसिकली स्प्रे करते हैं। क्योंकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये बेसिकली पेज को टच किए बगैर जो है ये प्रिंट करवाते हैं, इसलिए ये या तो स्प्रे या हीट या फिर प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए जो है वो पेज के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। कॉस्टली बट हाई स्पीड एंड डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज। तो ये कॉस्टली भी है डेफिनेटली। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जो इंपैक्ट प्रिंटर्स थे, वो जो है अब पुराने हो चुके हैं, अब वो सस्ते हैं। और इसकी निस्बत अगर हम बात करें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की, जैसे लेजर प्रिंटर की बात करें, इंकजेट की बात करें, तो ये काफी कॉस्टली है क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से ये हाई स्पीड है और यानी कि एक सेकंड में या एक मिनट में काफी ज्यादा पेजेस को प्रिंट करवा सकते हैं अगर इनका मुवाजना इंपैक्ट प्रिंटर्स के साथ किया जाए। इसके बाद ये प्रोड्यूस नॉइस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। जिस तरह से हमने इंकजेट प्रिंटर की बात की थी कि जब वो चलता है तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है, तो जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं ये बिल्कुल भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते, खामोशी के साथ जो है वो प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। इट इज इन बेटर इन क्वालिटी। तो क्वालिटी भी डेफिनेटली इसकी बेटर है क्योंकि इसके डॉट पर इंच यानी कि इसकी रेजोल्यूशन जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं वो इसकी काफी ज्यादा है किसके मुकाबले में, अगर बात करें हम इंपैक्ट प्रिंटर्स के मुकाबले में। क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर्स का हमने देखा कि ज्यादा प्रिंटर्स किस तरह से प्रिंट कर रहे होते हैं, डॉट्स के साथ डॉट लगा के प्रिंट करवा रहे होते हैं, तो वो स्मूथली एक स्मूथ इमेज या एक स्मूथ टेक्स्ट नहीं हमें या एक स्मूथ कैरेक्टर नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन यहां पे इस तरह का जो है वो कोई कंसेप्ट नहीं है। यहां पे अगर इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो यहां पे अगर आपको लिखा हुआ नजर आएगा तो वो डेफिनेटली इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, इस तरह का नहीं लिखा हुआ नजर आएगा जिस तरह से इंपैक्ट प्रिंटर्स में आता था। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंटर है वो कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये आपने जरूर से याद कर लेना कि लेजर जो है किस चीज का एब्रीवेशन है। ये आपको वैसे भी मुख्तलिफ जो है वो एमसीक्यूज के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी आपको हेल्पफुल होगा। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिमिलर टू फोटोकॉपी मशीन विच बर्न्स इंक ऑन द पेपर टू प्रोड्यूस इमेज। अच्छा, ये फोटोकॉपियर जो होता है, जो फोटोकॉपी मशीन या फोटोस्टेट मशीन जिसे कहा जाता है, ये बिल्कुल उसी तरह का होता है जो लेजर प्रिंटर है। और ये लेजर बीम को इस्तेमाल करता है, बेसिकली लेजर बीम को इस्तेमाल करता है, इंक को बर्न करता है पेपर के ऊपर, जिसके साथ क्या होता है परमानेंटली एक इमेज या एक टेक्स्ट या कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट हो जाते हैं। इसके बाद क्या, आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर। ऐसा पेज प्रिंटर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक वक्त में सारे का सारा पेज जो है ये प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। बिकॉज इट प्रिंट्स कंप्लीट पेज। और कितने पेजेस पर मिनट ये जो है प्रिंट करवा सकता है, आम तौर पे जो आम हमारे पास लेजर प्रिंटर होते हैं जो हम घरों में या ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं, वो 12 से लेकर 45 पेजेस पर मिनट तक ये जो है प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ये इसकी हद नहीं है, ये 150 पेजेस तक भी पेजेस को प्रिंट करवा सकता है अगर हम एक प्रोफेशनल जो लेजर प्रिंटर लेके आए तो। इट कैन प्रिंट अप टू 150 पेजेस पर मिनट विच इज हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इसकी कितनी होगी, आम तौर पे जो हमें रेजोल्यूशन मिलती है वो कौन सी मिलती है, 1200 डीपीआई यानी कि 1200 डॉट्स पर इंच। हमारा इंच कितना होता है आमतौर पे, ये एक इंच होता है इतना। इसमें कितने डॉट्स लगा रहता है, 1200 डॉट्स लगाता है। जाहिर सी बात है जब 1200 डॉट्स इतनी जगह पे लग जाएंगे तो फिर बीच में उनके बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी, कोई वक्फा नहीं रहेगा, स्पेस नहीं उनके दरमियान रहेगी, तो वो एक स्मूथ इमेज जब इस तरह से डॉट लगा लेंगे तो बिल्कुल वो इस तरह से बन जाएगा, एक स्मूथ हमें जो है वो टेक्स्ट नजर आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रिंटर है वो कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है ये कैसे प्रिंट करवाता है, ये स्टूडेंट्स बेसिकली टाइनी डॉट्स जो है वो स्प्रे करता है पेपर के ऊपर
और उसके जरिए से यह प्रिंट करवाता है। इसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल होती है, बेसिकली स्प्रे टेक्निक इस्तेमाल होती है जो कि टाइनी डॉट्स की शक्ल में यह करता है। ये एक इंच के अंदर हमें, एक इंच के अंदर ये कितने 600 डीपीआई, 600 जो है वो डॉट्स पर इंच जो है ये लगाता है। तो स्प्रे करने से ये भी, अगर हम एक इंच के अंदर 600 डॉट्स लगा दें तो डेफिनेटली वो भी क्या बन जाएगा, वो स्मूथ इमेज हमारे पास बन जाएगा। और इसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है, 600 डीपीआई, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आल्सो हाई रेजोल्यूशन दैट इज अप टू 600 डीपीआई एंड कैन प्रिंट अप टू 10 to 35 ppm यानी कि पेजेस पर मिनट। तो ये जो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है ये लेजर प्रिंटर से स्लो होता है, लेकिन फिर भी ये काफी फास्ट है क्योंकि 10 से 35 पेजेस पर मिनट जो है ये प्रिंट करवा सकता है। एक और इसकी मैं आपको खासियत बताता हूं, वो ये है कि इसमें इंक जो है वो पाउडर की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि इसमें लिक्विड फॉर्म में जो है वो हम इंक इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक कैटरेज या एक टोनर नहीं होता, बल्कि इसमें दो कैटरेजेस होती हैं। एक कैटरेज के अंदर जो है वो ब्लैक इंक होती है और दूसरी के अंदर कलर जो है वो इंक उसके अंदर होती है। ये ब्लैक कैटरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि जो कलर वाली सेकंड कैटरेज होती है, सेकंड इंक पॉट होती है, वो कलर्स वाले अगर हम कलर प्रिंट करवाना चाहें तो इंकजेट प्रिंटर जो है वो कलर प्रिंट करवा देता है उसके जरिए से। तो इंकजेट प्रिंटर जो है इसकी एक और भी इसका फीचर ये है कि इसमें से जब प्रिंट होकर निकल रहा होता है ना पेपर, तो वो वेट होता है आमतौर पर। अगर आप देखें कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो अक्सर वेट होता है, उसके अंदर हीटर तो होता है लेकिन वो उतना सुखाता नहीं जितना उसे सुखाना चाहिए। तो इस बात से हमें परहेज करनी चाहिए कि अगर एक प्रिंट निकल आया इंकजेट के अंदर से, तो दूसरे पेज को उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए, वरना वो दोनों की इंक एक दूसरे पेपर्स के साथ लग जाएगी। तो इसमें इसकी और मजीद ये है कि ये चीपर होते हैं उससे, लेजर प्रिंटर से ये चीप है, सस्ते होते हैं, जबकि जो अगर पुराने इंपैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो उससे फिर भी ये काफी कॉस्टली होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर है वो कौन सा है, थर्मल प्रिंटर। अक्सर स्टूडेंट्स आपने एटीएम मशीन्स यूज की होंगी, तो उसमें जब आप अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, आप अपने पैसे लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक उसकी रसीट मिल रही होती है, उसके ऊपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है आपके अकाउंट की, यानी कि आपका बैलेंस। और वो आपने देखा होगा कि अक्सर आप उसे क्या कर लेते हैं, आप उसे अपने जो पर्स है उसके अंदर रख लेते हैं। तो अगर हम उसे ना एक वीक या दो वीक या कुछ देर के बाद उसे देखें, तो अक्सर उसके ऊपर वो फेड हो चुका होता है जो लिखा हुआ होता है। तो ये किसकी बदौलत होता है, ये थर्मल प्रिंटर होता है, वो वाला जो एटीएम मशीन के अंदर लगा हुआ होता है। ये आमतौर पर स्पेशल पेपर इस्तेमाल किया जाता है और वो उसके ऊपर क्या करता है, जैसे इसके नाम से जाहिर है थर्मल प्रिंटर, तो ये उसे हीट देता है पेपर को, उस हीट की वजह से वो उसके ऊपर करेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाते हैं। गो के वो लो क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है, लेकिन वो स्पेशल पेपर होता है, वो वक्ती तौर पे तो उसके ऊपर प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन अक्सर मैंने जैसे आपको बताया कि पर्स के अंदर रखा हुआ हो अगर हमने वो पेपर, तो वो कुछ देर के बाद बिल्कुल साफ हो चुका होता है, उसके ऊपर से वो सारा कुछ मिट चुका होता है जो लिखा हुआ होता है। तो ये थर्मल प्रिंटर ही है जो कि प्रिंट करवा रहा होता है एटीएम मशीन में। इसकी करेक्टरिस्टिक्स है प्रिंट बाय मेल्टिंग वैक्स बेस्ड इंक। तो एक तो टेक्निक ये है कि वैक्स बेस्ड इंक जो है, वैक्स जो होती है वो इस्तेमाल करता है लिखने के लिए, या फिर बाय बर्निंग डॉट्स ऑन स्पेशल पेपर। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीट जो होती है ना, जो एटीएम मशीन में से निकलता है जो कागज होता है, वो स्पेशल पेपर होता है, वो आम पेपर नहीं होता। थर्मल प्रिंटर में हमें वो स्पेशल पेपर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसकी लो क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी का यह प्रिंट नहीं करवा सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है वो कौन सी है, फोटो प्रिंटर। अच्छा, ये थर्मल प्रिंटर जो होता है ये और भी कुछ जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप अक्सर जगहों पे आपको वो रसीद देते हैं, कोई भी जहां पे आप कोई ट्रांजैक्शन करें या फिर आप किसी चीज को खरीदो फरोख्त करें, तो वो आपको जो रसीद देते हैं वो भी आमतौर पर हमारा थर्मल प्रिंटर ही होता है। तो इसके बाद फोटो प्रिंटर है। फोटो प्रिंटर जो है ये कोई नई किस्म का प्रिंटर नहीं है स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो हम क्या करते हैं, इमेज जब किसी कैमरे के साथ हम किसी का फोटो शूट करते हैं, तो उसी वक्त उसके ऊपर बटन दबाते हैं, तो उसके अंदर से जो है वो तस्वीर जो है वो स्टिल पिक्चर जो है वो निकल आती है। तो वो कौन सा प्रिंटर होता है, वो बेसिकली फोटो प्रिंटर होता है। ये नया प्रिंटर नहीं है, ये बहुत पहले का जो है, फॉर एग्जाम्पल अब्रॉड जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो उसी वक्त ही जैसे ही वो आप फोटो शूट करते हैं किसी का स्टिल पिक्चर का, तो उसी वक्त बटन दबाने से आपकी पिक्चर बाहर आ जाती है और आप उसे देख सकते हैं। आमतौर पर 3x5 का ये जो होता है पेपर उसके अंदर डाला जाता है, जिसके ऊपर वो
आपको प्रिंट करके दे देता है। हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ पे इन प्रिंटर्स को कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि फोटो प्रिंटर जो है ये कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंटर है वो कौन सा है, पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर स्टूडेंट्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिन्हें बेसिकली हम कैरी कर सकते हैं, जिन्हें हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। तो पोर्टेबल प्रिंटर्स जो होते हैं इनके साथ बेसिकली बैटरी अटैच होती है जो कि इसे पावर जो है वो पावर प्रोवाइड करती है। तो इसकी जो सेलियंट फीचर्स हैं वो क्या है, इट इज स्मॉल लाइट वेट एंड बैटरी पावर। जिस तरह से हमने पहले बात की है प्रिंट फ्रॉम मोबाइल्स, हम मोबाइल्स के जरिए से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं इसके ऊपर, नोटबुक्स के जरिए से, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, जो किसी भी हमारे पास जो डिवाइसेस हैं हैंड हेल्ड जो डिवाइसेस हैं उनके जरिए से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जरूरत किस चीज की होगी, ये केबल की जरूरत होगी या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी। अगर केबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास यूएसबी केबल्स होती हैं, डाटा केबल्स होती हैं, जिसके जरिए से हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं प्रिंटर के साथ। यूज फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, डेफिनेटली हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग पर्पस के लिए ये प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं। काम वही है, इसका साइज जो है वो बिल्कुल उतना ही होता है जितना एक पेज का साइज होता है, पेपर का साइज होता है। एंड कनेक्ट थ्रू यूएसबी पोर्ट्स की बात हम पहले कर चुके हैं। कैन फिट इन अ ब्रीफकेस, तो ब्रीफकेस में ये इजीली जो है वो फिट हो सकता है, यानी अगर आप इसे कैरी करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी लगेज है उसके अंदर ये आसानी से जो है ये फिट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंटर है वो कौन सा है, लेबल एंड पोस्टेज। तो इसका मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन ये बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल अक्सर आप बैंक्स में अपने बिल्स वगैरह को जमा करवाने के लिए अगर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके बिल के ऊपर ही वो आपसे बिल पकड़ के उसके ऊपर ही वो प्रिंट करवा देते हैं, बिल आपका उसके अंदर रखते हैं और वो बिल के ऊपर क्या है इस तरह से वो प्रिंट कर देता है। वो कौन सा प्रिंटर होता है, वो बेसिकली लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर होता है। इसके सेलिंग पॉइंट्स ये हैं, स्मॉल प्रिंटर एंड प्रिंट्स बाय एडहेसिव टाइप ऑफ मटेरियल। एडहेसिव टाइप ऑफ मटेरियल को इस्तेमाल करता है किस काम करने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए। इट यूजुअली प्रिंट्स ऑन एनवेलप्स, एनवेलप्स के ऊपर हम प्रिंट करवा सकते हैं, पैकेजेस के ऊपर, सीडीज के ऊपर या फिर टॉयज के ऊपर। एक मजीद इसकी खासियत यह है कि यह बार कोड जो है उसे भी प्रिंट कर सकता है, यानी कि किसी भी पेपर के ऊपर अगर आप बार कोड यानी कि कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये वो भी प्रिंट करवा सकता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की समझ आई होगी और आपने अच्छी तरह से इसे अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।